दोस्तों, इंडिया का फेमस टीवी कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो के एक एक किरदार से तो आप अच्छे से वाकिफ है। उसी शो में अपनी दमदार कॉमेडी से दर्शकों का मनोरंजन करने वाले नन्हे कलाकार खजूर को भी आप सब अच्छे से जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस नन्हे से कलाकार ने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कितनी दिक्कत और कठिनाइयों का सामना करा है? जी हाँ दोस्तों, आज हम खजूर की लाइफ स्टोरी के बारे में आपको सब कुछ बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी। दोस्तों, शुरू करने से पहले इस नन्हे कलाकार के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। द कपिल शर्मा शो में अपने दमदार कॉमेडी से दर्शकों का मनोरंजन करने वाले इस नन्हे कलाकार का असली नाम कार्तिक के राज है। द कपिल शर्मा शो में आने से पहले दो वक्त की रोटी भी बहुत ही मुश्किल से नसीब होती थी कार्तिक के और उसके परिवार को। बिहार में पटना के एक छोटे से गांव में रहने वाले कार्तिक के राज के पिता मजदूरी कर घर का खर्चा चलाया करते थे। कार्तिक के घर में इतनी गरीबी थी कि दो वक्त का खाना भी बहुत ही मुश्किल से बन पाता था। जिस दिन घर में दाल चावल या सब्जी बनती थी, उस दिन को त्यौहार ही माना जाता था कार्तिक के घर में। इतनी गरीबी और लाख मुश्किलों के बाद भी कार्तिक के पिता ने कार्तिक और उसकी बहन को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपना पेट काट कर भी उन्हें अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की, क्योंकि वे जानते थे कि एक अच्छे भविष्य के लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है। हालांकि कार्तिक के अपने छोटे भाई के साथ स्कूल जाया करते थे, लेकिन उनका पढ़ाई में ज़रा भी मन नहीं लगता था। वे अपना सारा दिन बस्ती में बच्चों के साथ खेल कूद कर बिताया करते थे। कार्तिक और उनके भाई दोनों को ही एक्टिंग में काफ़ी रुचि है। इसी के चलते कार्तिक ने एक NGO स्कूल में दाखिला लिया, जहाँ एक्टिंग सिखाई जाती थी। दोनों भाइयों ने काफ़ी समय तक वहाँ एक्टिंग की बारीकियाँ सीखी, लेकिन साल 2013 में कार्तिक की किस्मत ने करवट ली और उनका सिलेक्शन TV के शो बेस्ट ड्रामेबाज में हुआ। इस शो में उनका सिलेक्शन होना उनके लिए और उनके परिवार के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद TV शो ड्रामेबाज की टीम ने कार्तिक को कॉमेडी के लिए शहर ले गए और वहाँ कार्तिक को बड़े से होटल में रुकने को मिला और उसी होटल में मिलने वाले खाने को वे आधा खाकर बाकी खाने को छुपा लिया करते थे। फिर वे बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने घर जाकर अपनी माँ को देते हुए कहते थे कि मैंने कभी बड़े होटल का खाना नहीं खाया, इसलिए मैंने वे खाना चुरा लिया। TV शो ड्रामेबाज के छठे राउंड में पहुंचने के बाद कपिल शर्मा की नज़र कार्तिकेय पर पड़ी। कपिल को कार्तिकेय की कॉमेडी बहुत ही पसंद आई। फिर उन्होंने कार्तिकेय को अपने शो में काम करने का मौका दिया। इसी की बदौलत आज कार्तिकेय खजूर के नाम से सबके दिलों पर छा गए हैं। 12 साल के कार्तिकेय राज अब मुंबई में रहते हैं और एक्टिंग के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। दोस्तों, आपको द कपिल शर्मा शो के नन्हे कलाकार खजूर की लाइफ के बारे में जानकर कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही TV इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।